Hi guys, welcome to the channel. आज के वीडियो में मेरे पास है हीरो की मैवरिक 440. तो फाइनली मेरे को ये बाइक मिल गई है रिव्यू करने के लिए. बहुत सारी चीज़ें इस बाइक के बारे में आपको बतानी है, तो काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रहा था इस बाइक को चला पाने का. तो आज फाइनली मेरे को ये बाइक मिल गई है चलाने के लिए. आज इस वीडियो में आपके साथ सारे थॉट्स मैं अपने शेयर करने वाला हूँ इस बाइक को लेकर. तो बताते हैं यार, पहले हाईवे चढ़ जाएँ और उसके बाद आपको बताना स्टार्ट करते हैं इस बाइक के बारे में. तो यार ऑफ द बैट एक चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि इसके क्लच का पुल जो है ना एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है यार. इतना बढ़िया क्लच पुल, बहुत ही बढ़िया. मतलब हीरो ने होंडा से सीखा है क्लच के पुल को कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे क्लच को अच्छा बनाया जाता है. तो डेफिनेटली 10/10 फॉर क्लच यूज़. बहुत ही बढ़िया क्लच यहाँ पर बनाया गया है. ओके, तो गियरबॉक्स जो है वो थोड़ा सा एफर्ट लेता है आपको चेंज करने में, और जो गियर लीवर है वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा है, और लंबा होने की वजह से जिसके पैर छोटे होंगे तो उसको थोड़ा सा आगे करके पैर उसको चेंज करना पड़ेगा. तो वो एक चीज़ है यार, गियर लीवर को थोड़ा सा छोटा करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं 10 नंबर का जूता पहनता हूँ फिर भी मेरे को थोड़ा सा अपना पैर आगे ही करना पड़ रहा है गियर को चेंज करने के लिए. ओके, एक जो चीज़ मेरे को थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी कि यहाँ पर ये जो स्पेस है इसको थोड़ा सा यूटिलाइज़ किया जा सकता था, क्योंकि अगर आपको इस बाइक के मोड और सेटिंग वगैरह चेंज करनी हो तो आपको 2 बटन यहाँ पर दिए गए हैं. इन बटन्स यहाँ पर अगर इन बटन्स को दे दिया जाता तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता था. बटन्स की क्वालिटी की बात अगर मैं करूँ तो यार बटन्स की क्वालिटी जो है एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है. मतलब इतने बढ़िया बटन्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं. इवन एक एक बटन की जो क्लिक है, एक एक बटन की जो फीलिंग है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. मतलब वन ऑफ दी बेस्ट है इस सेगमेंट में अगर आप किसी भी बाइक से कंपेयर करोगे. वन ऑफ दी बेस्ट क्या, द बेस्ट है अगर आप इस सेगमेंट में किसी भी बाइक से कंपेयर करोगे. तो सारी लाइट्स आपको इस बाइक में LED मिलती हैं. यहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए एक पोर्ट मिल जाता है. इसकी जो लोकेशन है वो भी एब्सोल्युटली बढ़िया दी गई है मेरे हिसाब से. काफ़ी ज़्यादा रूम आपको इस बाइक में मिल जाता है. आपको शुरू में लग सकता है कि बाइक थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, थोड़ी सी ज़्यादा स्टबी है, क्योंकि इसकी जो हेडलाइट है काफ़ी ज़्यादा नीचे आती है. ठीक है, तो आपको लग सकता है मे बी कि यार इसका जो साइज़ है वो भी छोटा सा है, पर साइज़ छोटा नहीं है यार इस बाइक का. इस बाइक की जो मोरलेस सारे कॉम्पोनेंट जो है हार्ली डेविडसन के साथ शेयर्ड है. ठीक है, सस्पेंशन की बात करते हैं यार. हार्ली डेविडसन में आपको USD फोक्स मिलते हैं, इस वाली बाइक में आपको कन्वेंशनल फोक्स मिलते हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं. कंफर्ट ओरिएंटेड सस्पेंशन आपको इस बाइक में मिल जाते हैं. हैंडल बार जो है काफ़ी ज़्यादा वाइड है, ऐसे करके मैं चला रहा हूँ एकदम चौड़ में, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फील आती है यार. तो स्मूथनेस में अगर बात करें, रिफाइनमेंट में अगर बात करें, तो डेफिनेटली दिस इज़ द बाइक टू गो फॉर. अगर आप 2,70,000 के आसपास के प्राइस में रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 की तरफ जा रहे हो तो ये बाइक एक बार कंसिडर करने का मैं आपको सजेशन ज़रूर दूंगा, क्योंकि इस बाइक में आपको ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो कि आपको रॉयल इनफील्ड ऑफर नहीं कर रहा है. इवन जो स्मूथनेस है इंजन की वो रॉयल इनफील्ड के साथ कंपेरेबल है विद अ लॉट मोर पावर. समझ रहे हो, लॉट मोर कैपेबिलिटी, अ लॉट मोर पावर. मिरर्स की बात करें तो यार मिरर्स थोड़े से बेटर हो सकते थे इस बाइक में. ये मिरर्स जो है वो थोड़े से प्लास्टिक ही लगते हैं. अब हीरो है यार तो हम इससे इतना ही एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यार इतना ज़्यादा हाई एंड कॉम्पोनेंट्स एक्सपेक्ट करना हीरो से इतनी भी अच्छी बात नहीं है. तो मिरर्स की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी बेटर हो सकती थी. और एक और बात ये है कि ये मेरे हाथ के बहुत पास है, ये आप देख पा रहे हो, तो वो वाली चीज़ है यार इस बाइक के साथ जो थोड़ा सा बेटर हो सकती थी मेरे ओपिनियन में. ओके, राइडिंग पोजीशन की बात करते हैं यार. तो राइडिंग पोजीशन एकदम अपराइट है, बहुत ज़्यादा चौड़ में बैठा हूँ मैं ऊपर से तो. और जो फुटपेक्स की पोजीशन है वो भी थोड़ी सी मतलब मेरे घुटनों के नीचे है ऑलमोस्ट, तो एकदम न्यूट्रल पोजीशन में बैठा हुआ हूँ मैं. अगर आप चाहो तो ऐसे करके इसको एग्रेसिवली राइड कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपके साथ. ओके, तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें इस वाली बाइक में आपको ऑफर करी जा रही हैं जो कि इस सेगमेंट में आपको कोई और ऑफर नहीं कर रहा है. मेरे हिसाब से 2,70,000 के प्राइस में इतना स्मूथ इंजन आपको नहीं मिल रहा है. ओके, यस, तो लो एंड ट्रैक्टेबिलिटी की बात करें यार, तो इंजन की लो एंड ट्रैक्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है. देखो अभी थर्ड गियर में हूँ मैं, फिफ्थ में आ गए. अभी देखो हम चल रहे हैं तब 40 के ऊपर ही झटके नहीं खाएगा. ये देखो 40 के ऊपर आते ही झटके खाना बंद हो गया. फिफ्थ गियर में 40 पे चल रहा है और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है 40 के पे भी चलने में. तो डेफिनेटली दैट इज़ वेरी गुड अबाउट दिस इंजन. ब्रेकिंग की जो इनिशियल बाइट है वो थोड़ी सी बेटर की जा सकती थी यहाँ पर. और जो लेवर्स हैं, ब्रेक लेवर भी और गियर लेवर भी, उनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं यार किसी किसी के लिए जिनके पैर छोटे होते हैं. मे बी अगर आपका जो पैर का साइज़ है वो 8 नंबर का जूता पहनते हो आप, तो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पर होने वाली है. ओके, थोड़ा सा ट्रैफिक से निकल कर बात करते हैं गाइस. ऑटोमेटिक हेडलाइट आपको यहाँ पर मिलती है जो कि अपने आप जैसे ही आप अंधेरे में जाते हो तो वो ऑन हो जाती है. अब मैं इतना एक्सटेंसिवली तो नहीं बता सकता कि कितना किस टाइम ऑन होती है, पर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा सही टाइम पर ऑन हो जाती है. अभी जैसे हम ब्रिज के नीचे जा रहे थे तभी अपने आप ऑन हो गई थी. ओके, जो एक और चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छी लगी है वो ये है कि टैंक का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़बरदस्त किया गया है यहाँ पर. और टैंक का डिज़ाइन जो है
वो एकदम ऐसा है कि मैं इसको अच्छे से ग्रैब कर पा रहा हूँ यार। मेरी हाइट 6 फीट होने के बाद ना मैं इसको अच्छे से ग्रैब कर पा रहा हूँ, तो ये जो डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया है। ओके, तो यहाँ पर आपको एक SOS बटन मिल जाता है। इसकी जो फिनिश है, इवन दिस, मतलब जो अटेंशन टू डिटेल है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दी गई है इस बाइक के साथ। इसके वेरिएंट्स की बात करें तो 3 वेरिएंट्स आपको इस बाइक में मिलते हैं, एक बेस मॉडल, एक मेड मॉडल और ये वाला जो मैं चला रहा हूँ ये है टॉप मॉडल। यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एक्स्ट्रा मिल जाती है और डायमंड फिनिश वाले अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर ये SOS बटन जो है ये भी आपको इस वाली बाइक में मिल जाता है। ये आपको मेड और बेस वेरिएंट में नहीं मिलता है। मेड और बेस में जो फर्क आ जाता है वो ये है कि उसमें आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलती है ब्लूटूथ वाली, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यही वाला रहता है, पर उसमें यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है क्या कहते हैं उसे टर्न बाय टर्न नेविगेशन की, वो भी यहाँ पर रहती है। पर जो मिड वेरिएंट है और बेस वेरिएंट है उसमें वो आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो वो एक चीज़ है यार जो आपको थोड़ा सा बॉदर करेगी आगे चल के, अगर आपको ऐसी चीज़ें थोड़ी सी पसंद आती हैं तो ठीक है। और जो बेस वेरिएंट है उसमें फिर आपको स्पोक व्हील्स भी मिलते हैं, तो वो वाली भी चीज़ उसके साथ हो जाती है। ओके, तो सीट हाइट की बात करते हैं यार। तो सीट हाइट है इस बाइक के साथ वो आपको 803 mm की मिल रही है। मेरे हिसाब से 803 mm की सीट हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाइड है, क्योंकि अगर आपकी हाइट मिड में भी है, 5'7" 5'6" के आसपास भी अगर आपकी हाइट है, तो आप इसको ईजिली मैनेज कर सकते हो। येस, बाइक का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, 191 kg की ये बाइक है, तो आपको लग सकता है कि यार बाइक का वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। थोड़ा सा कम होता मे भी तो आपको थोड़ा सा बेटर फील होता है बाइक के साथ, पर जैसे आप इसको चलाना स्टार्ट करते हो तब वो वेट आपको फील नहीं होता है। वेट आपको कब फील होता है? जब आप इसको अपने गैराज में आगे पीछे कर रहे होते हो, आगे पीछे घुमा रहे होते हो, जब बाइक आगे पीछे साइड करनी पड़ती है, तो तब आपको इसका वेट जो है वो फील होने वाला कहीं ना कहीं। ब्रेक्स की बाइट जो थी वो थोड़ी सी इंप्रूव करी जा सकती थी मेरे हिसाब से, तो वो एक चीज़ है यार कि इस बाइक का वेट काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ना ब्रेक्स इतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं अभी। क्लच जो है बहुत ज़बरदस्त है, बाकी सारी चीज़ें इस बाइक के बारे में काफ़ी ज़्यादा सही लगी मेरे को। स्मूथनेस जो है डेफिनेटली मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी, एक वो गियर लेवर की जो लेंथ है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, और बाकी दूसरी प्रॉब्लम जो मेरे को लगी वो ये थी कि इसके मिरर्स जो हैं वो थोड़ा सा घूम जाते हैं। एक बार थोड़ा सा भगा के देखते हैं यार कैसी चलती है। यस, तो बाइक काफ़ी ज़्यादा निम्बल है नो डाउट। इसमें जो नेकेड वाला कैरेक्टर होता है ना वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि इस बाइक को मैं एग्रेसिवली चला पा रहा हूँ जब मेरे को चलानी है, और इसमें मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि यार कि एग्रेसिव चलाऊंगा तो मुड़ेगी नहीं या फिर चैसी साथ नहीं देगी, ऐसी चीज़ें नहीं है। पर यस, ब्रेक्स थोड़ा सा बेटर हो सकते थे, मैं बार बार कह रहा हूँ। मेरे हिसाब से ब्रेक्स में थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है हीरो को इस बाइक के साथ, क्योंकि इस बाइक का वेट जो है काफ़ी ज़्यादा है और ब्रेक्स पर काम कर दिया था तो ये बाइक एक बहुत ज़्यादा अच्छा कंप्लीट पैकेज बन जाएगी। क्या ज़बरदस्त बात थी यार, साउंड तो आप सुन ही रहे हो, क्या ज़बरदस्त साउंड है इस बाइक की भाई, एकदम बेसी साउंड है भाई, मज़ेदार। और हैंडल बार चौड़ा होने की वजह से अच्छी खासी लेवरेज आपको मिल जाती है, क्योंकि इस बाइक का वेट ज़्यादा है तो आपको लेवरेज की ज़रूरत पड़ती भी है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी बाइक चला रहे हो, इतने ज़्यादा वेट वाली बाइक चला रहे हो जिसका इतना ज़्यादा ज़बरदस्त मोमेंटम है, तो डेफिनेटली उसकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। एक जो चीज़ है इसमें आप थोड़ा सा ऐसे बैठते हो तो वो वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और अभी जैसे मैं इधर बैठा हूँ तो इसमें टैंक पैड्स की ज़रूरत मुझे फील नहीं हो रही है, क्योंकि ये इसका जो टैंक है उसकी जो स्कल्पटिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त करी गई है यार। यार सस्पेंशन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है यार इस बाइक में, बहुत अच्छा सस्पेंशन दिया गया भाई, क्या साउंड है यार इस बाइक की, मज़ेदार, बहुत प्यारी साउंड, बहुत प्यारी। ओके गाइस, तो आ गए हैं हम लोग शोरूम पर वापस। बताओ मेरे को कैसी लग रही है बाइक। काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव स्टाइलिंग इस बाइक को दी गई है। यहाँ पर आपको हेडलाइट ऐसी दी जाती है प्रोजेक्टर वाली, यहाँ पर आपको DRS मिल जाती है। एच पैटर्न में इसकी कुछ ना कुछ हेडलाइट को फिनिश किया गया है। ऑयल कूल्ड इंजन आपको यहाँ पर मिलता है। 27 BHP की पावर ये प्रोड्यूस कर रहा है, 36 Nm का टॉर्क ये इंजन प्रोड्यूस कर रहा है। ये वाली चीज़ जो मैं कह रहा था आपसे, जो देखो कितना ज़्यादा गैप है इन दोनों के बीच में, तो वो वाली चीज़ इनको फिक्स करनी चाहिए। ट्रेलिस फ्रेम आपको इस बाइक में मिल जाता है, ये इसका ऑयल कूलर यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी जो मशीन कट है, ये मशीन कट वाली जो फिनिश है आपको केवल टॉप मॉडल में ही मिलती है। सीट की अगर मैं बात करूं तो यार रूम यहाँ पर आपको सीट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सीट है। यहाँ पर अच्छी सी ग्रैब रेल आपको दे रखी है। एग्जॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता है नो डाउट अबाउट दैट, पर इसकी जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है यार। ये देखो एक बार मैं आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ, तो साइड स्टैंड कट ऑफ आता है इसमें, ऐसी कुछ साउंड है। तो
साउंड काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आ रही है यार इसमें, और डेफिनेटली मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है बाइक। ओके, जो पार्ट्स की क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, एक एक क्लिक आपको पता चलेगा, एक एक चीज़ आपको पता चलने वाली है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन केवल टॉप मॉडल में आता है, मैं बार बार बता रहा हूँ। और यस, तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं इस बाइक के बारे में। अगर आपको हीरो की कोई भी बाइक चाहिए तो आप आ सकते हो प्रीमिया हीरो पर, और शोरूम की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। कोई भी इंक्वायरी करनी हो, हीरो का प्रीमियम शोरूम ये है, वहाँ पर आप देख सकते हो हार्ली डेविडसन खड़ी है, यहाँ पर टेस्ट राइड की हार्ली डेविडसन खड़ी है, ये आप देख सकते हो। और कोई भी बाइक अगर आपको चाहिए, करिश्मा XMR, एक्सपल्स या कोई भी हीरो की बाइक जो थोड़ी सी प्रीमियम सेगमेंट में आती है, थोड़ी सी ज़्यादा महंगी आती है, शोरूम की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी गाइस। एंड यस, कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं मेरे से कमेंट्स में पूछना, एंड आई विल सी नेक्स्ट टाइम गाइस। बाय बाय।